जय हिंद। देखिए 22 मई को पाकिस्तान का एक जहाज क्रैश हुआ था। उस पर हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम आपको ब्लैक बॉक्स के बारे में बताए थे और कहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या जानकारी होगी वो बताएंगे। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पायलट ने क्या गलती किया था, क्या होता है बेली लैंडिंग, एटीसी ने क्या गलती किया, रॉजर शब्द का मतलब क्या होता है, मेडे मेडे और पैन पैन में क्या डिफरेंस होता है, पायलट ने क्यों इंजन के फुल पावर के साथ गो अराउंड किया जिस वजह से ये जहाज क्रैश हुआ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हर एक जानकारी जहाज के बारे में पता चल जाएगी। देखिए जो जहाज उड़ रहा होता है इसको पूरे रास्ते में कंट्रोल करने का काम करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी, और ये जहाज जब लैंड करता है रनवे पर तो रनवे पर काम आता है आईएलएस। तो चलिए हम लोग समझते हैं रनवे का आईएलएस क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ बना दिए ये एक रनवे है, इस पर ही जहाज आके उतरती है। रनवे इसका नंबर है 28, इसका मतलब समझा देंगे ये क्यों होता है। तो इस 28 के पहले इस साइड में कुछ मशीनें लगाई रहती हैं जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। मतलब ये जो मशीनें होती हैं जहाज को लैंड करने से पहले, आप इस वीडियो में देखिएगा यहाँ जो रेड कलर के सारे लाइट्स दिख रहे हैं ये है आईएलएस इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये क्या करता है, जो जहाज इस पर लैंड होने वाली होती है, उतरने वाली होती है जहाज का, तो ये क्या करता है आईएलएस इस जहाज की दूरी नाप लेता है कि कितनी दूरी पर है और कितनी हाइट पर है। देखिए अगर हाइट ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत है और हाइट कम है तो भी दिक्कत है। तो हाइट ज़्यादा से क्या दिक्कत है आप समझिए, अगर बहुत ज़्यादा हाइट से कोई जहाज आ रही है इस पर लैंड करने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा हाइट से आएगी तो फिर ये तो गिर जाएगी उधर, और बहुत नीचे आएगी तो रनवे के पहले ही लैंड कर जाएगी। तो 3 डिग्री के एंगल पर उतारा जाता है जहाज को, समझ में आया। तो इस जो नापने का जो काम करता है मशीन उसे कहते हैं आईएलएस। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो एक लाइट ये सिग्नल फेंकते रहता है पायलट को, क्योंकि पायलट जब भी उतरेगा तो इसके सीध में ही उतरता है, तो पायलट को बताता है कि भैया तुम्हारी दूरी इतनी है और एंगल ज़्यादा है या कम है, यानी और ऊपर करो या और नीचे करो। यानी पायलट जैसे ही कहता है आईएलएस अप्रोच, मतलब कि पायलट जो है आईएलएस के कंट्रोल में आ गया है। अब जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठा होता है वो अब निश्चिंत होता है कि भैया ये मशीन ने अब पायलट को क्या कर लिया, अप्रोच ले लिया है। अब यही मशीन बता देगी कि हाइट बढ़ाना है या घटाना है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टेंशन फ्री हो जाता है। तो यहीं पर ज़्यादातर गड़बड़ियाँ होती हैं जिससे जहाज क्रैश होता है। देखिए दिन में तो हम इस रनवे को देख कर उतर जाएंगे और ये आईएलएस हमको बता देगा दूरी कितनी है। रात के समय उतरने के लिए रनवे पर लाइट लगाए जाते हैं। ये रनवे चालू हुआ है व्हाइट वाले पोर्शन के उधर, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं लाल लाल ये मशीन है जिसे क्या कहते हैं आईएलएस। यही पायलट को बताता है कि आपका जहाज रनवे के एकदम सीधा है या तिरछा है, समझ आया। जब भी कोई जहाज रनवे की ओर अप्रोच करता है तो ये आईएलएस जो सिस्टम होता है ये इसको एंगल बताता है कि भैया तुम 3 डिग्री एंगल पे हो या नहीं हो। इस स्लोप को हम लोग कहते हैं ग्लाइडिंग स्लोप। ये ग्लाइडिंग स्लोप जो जीएस होना चाहिए, ग्लाइडिंग स्लोप ये कितना होना चाहिए, 3 डिग्री। अगर ये स्लोप ज़्यादा है यानी जहाज बहुत हाइट से आएगा, अगर बहुत हाइट से आएगा तो फिर वो यहाँ लैंड करेगा और रुकने से पहले ही रनवे ख़त्म हो जाएगा, वो गिर जाएगा। और अगर बहुत नीचे आएगा तो फिर इधर कहीं बिल्डिंग वगैरह पे ही गिर जाएगा। तो ये आईएलएस बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। देखिए जब भी कोई जहाज हवा में रहता है तो उस जहाज के पायलट को कंट्रोल करने का काम करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हम शॉर्टकट में एटीसी बोलते हैं, एटीसी। और ये एटीसी इस टावर में ऊपर बैठे होते हैं और इस टावर में बैठ के वो रडार पे सब कुछ देखते रहते हैं। रडार की मदद से वो उड़ रहे जहाज़ों को देख सकते हैं, चूँकि इसकी हाइट ज़्यादा इसलिए ये पूरे एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं। देखिए ये एटीसी के अंदर, एटीसी टावर के अंदर का जगह है, ये बाहर से देख लेंगे कि रनवे खाली है या नहीं, कौन सा टर्मिनल खाली है या नहीं, और अपने वो रडार पे देख लेंगे। ये रडार की मदद से वो रडार से पता कर सकते हैं कि कौन सा जहाज अप्रोच कर रहा है, कौन सा जहाज आगे या कौन सा जहाज पीछे है। तो वो इस रडार के मदद से भी देख सकते हैं कि इस पर आप देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन कलर के ये सब जहाज हैं। एटीसी को पता रहता है कि कौन से जहाज की हाइट कितनी है, स्पीड कितना है, किस देश का जहाज है, वो रडार के मदद से हर एक चीज़ देख लेता है। जब तक एटीसी लैंड करने का आदेश नहीं देगा कोई जहाज नहीं उतर सकता है। तो जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो जहाज को लाता है यहाँ पर अपने, जैसे मान लीजिए कि किसी शहर का दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला एटीसी उसको दिल्ली में लाएगा और कहेगा
कि आप ILS की लाइट को ढूंढ लीजिए, यानी जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उस लाइट को ढूंढिए, ये जो रेड वाला लाइट है ये लाइट छोड़ते रहता है, बीम छोड़ते रहता है, उसमें एक मशीन होती है वो रिसीव कर लेता है। जैसे ही पायलट अपने आपको इसके सीध में करता है वो तुरंत लाइट इसको कैच कर लेती है। इसके बाद पायलट कुछ भी ना करे ना, ऑटो पायलट पे भी कर दे, तो ये लाल लाल वाली जो मशीन देख रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं ILS, ये ऑटोमेटिक उस जहाज को उतार के सेफली लैंड करा सकती है। समझ में आया? तो ये ATC कहां तक लाता है? ILS तक। तो ATC का वर्क क्या है, पायलट का क्या है, ये सब समझ में आ गया। अब हम समझते हैं पाकिस्तान वाले पायलट में क्या गलती हुई थी। देखिए, कोई भी एयरपोर्ट पे जब आप पहुंचते हैं तो रनवे से पहले आपको ILS दिखता है। ILS जो होता है वो एक लाइट बीम को छोड़ता है, जिस तरह जिससे कि वो आपके जहाज को रनवे से एकदम सीधा कर सके, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में लोकलाइजर कहते हैं। तो ये आपको ILS से गुजरना ही पड़ेगा। आप यहाँ अगर इमेज में देखिएगा तो ये जो लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये जो लाइट्स हैं ऐसे, ये सारी लाइट्स, ये क्या कहलाती हैं, वो लोकलाइजर, इसी को हम लोकलाइजर जो है, ये सारी लाइट है, इन्हीं को पार करने के बाद वो देखिए ये जहाज कहाँ गया है, रनवे के अंदर गया है। तो ये लोकलाइजर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रनवे के लिए। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए गलती क्या हुआ, देखिए ध्यान से। जब वो रनवे से 5 मील दूरी पर थे, 5 मील की दूरी पर थे, तो उनकी हाइट थी 3500 फीट, 3500 फीट हाइट पर थी, जबकि नियम यह है कि 5 मील की दूरी पर आपको केवल 1500 फीट पर रहना है। समझ जाइए कि वो दोगुना से भी ज़्यादा हाइट पे थे। अब गलती तो यही हो गई, दोगुना से ज़्यादा हाइट पे थे। तो जो ATC थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उन्होंने कहा कि सर आपका जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप उसको डिक्रीज़ कीजिए, कम करिए। तो उन्होंने कहा रॉजर का मतलब है ठीक है हम आपकी बात समझ गए। जब आप कोई मैसेज को रिसीव कर लेते हैं तो टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं रॉजर। रॉजर मतलब आपकी समझ गए। और पायलट ने क्या जवाब किया, आई कॉन्टैक्ट विथ ILS, ILS मतलब इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम। तो ATC को लगा कि भैया जब वो इस मशीन के संपर्क में आ गया है तो ये तो अच्छे से उतार लेगा, उसको यही बता देगा कि भैया आपकी हाइट ज़्यादा है कम है, तो ATC टेंशन फ्री हो गया। लेकिन ये जो था, इतनी ये अपनी जहाज को लाया पायलट, और पायलट जब जहाज को लेकर आया तो वो अप्रोच किया, तो ये जो काला काला वाला एरिया देख रहे हैं यहाँ पर उसको लैंड करना चाहिए था, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ लैंड नहीं कर पाया। ये अपनी जहाज को लेकर पहुँच गया यहाँ पर। जब इस एरिया में ये अपनी जहाज को लेकर पहुँचा तब इसको आभास हुआ कि भैया अब हम लैंड करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट ख़त्म है, हम घुस जाएंगे दीवार वगैरह में लड़ जाएंगे। तो ये यहीं से अपनी जहाज को उठा लिया। जब आप कभी लैंड करने जाते हैं और लैंड नहीं कर पाते हैं और वहीं से दोबारा उठा लेते हैं, उसे टेक्निकल भाषा में गो अराउंड कहते हैं, गो अराउंड, समझ में, गो अराउंड करते हैं। तो ये पायलट जो था शुरुआत में तो कह दिया ATC की कि हम लैंड करा लेंगे, आधा रनवे जब खत्म हो गया तब इसने डिसीजन लिया गो अराउंड का, और यही गो अराउंड में इसने गलती किया। क्या गलती किया समझिए, जब कभी भी आधा रनवे पार हो जाने के बाद हम गो अराउंड करते हैं तो ये संभावना भी होती है कि शायद इंजन उतना थ्रस्ट न दे पाए और रनवे पर ही जहाज गिर जाए। इसीलिए यह हिदायत दिया जाता है कि जब कभी आप रनवे से गो अराउंड करते हैं तो आपका जो चक्का होता है, जिसे हम लैंडिंग गियर कहते हैं, जो पीछे वाला होता है इसे हम मेन लैंडिंग गियर कहते हैं, और ये आगे वाले को कहते हैं नोज लैंडिंग गियर। तो नियम यही है कि जब आप रनवे से दोबारा उड़ के भागना चाह रहे हैं क्योंकि आपने आधा रनवे क्रॉस कर दिया तो उसे गो अराउंड कहते हैं, तो गो अराउंड के समय आपका यह लैंडिंग गियर जमीन पर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाय द वे अगर आप गो अराउंड नहीं कर पाएं तो आप चक्के पे गिरिएगा, पहला हिदायत। दूसरा हिदायत, ये जो फ्लैप्स होते हैं, ये फ्लैप्स अगर आप उठा देते हैं, आप देखिएगा जहाज में बैठे होंगे तो जब जहाज उतरने वाली होती है तो ये फ्लैप्स उठा दिया जाता है। इस फ्लैप्स को उठा देने से स्पीड कम हो जाती है, लेकिन हिदायत दिया जाता है कि इस फ्लैप्स को जब आप गो अराउंड कर रहे हैं तो इसको नीचे रखिए ताकि स्पीड बढ़ सके, आप तुरंत भाग सके। पाकिस्तान के पायलट ने यहीं पर गलती किया। उसने क्या किया, जब वो गो अराउंड किया वापस भागने के लिए सोचा, तब उसने अपना ये लैंडिंग गियर ऊपर की ओर उठा लिया। लैंडिंग गियर उठा लेने की वजह से वो जहाज जो था उसका चक्का तो अंदर चला गया। अब ये पूरा हाई स्पीड अपने फुल पावर में इसने क्या किया, जहाज को ऊपर की ओर उठाया, लेकिन पावर जनरेट होने में 1-2 सेकंड टाइम लग जाता है। इसी बीच जहाज का जो निचला हिस्सा है, पेट कहिए उसके जहाज का, वो रगड़ा गया।
अब आप समझिए, जब जहाज का निचला हिस्सा रगड़ा जाता है तो उसे कहते हैं बेली लैंडिंग। तो बेली लैंडिंग से सबसे ज्यादा खतरा इंजन को पड़ता है। बेली लैंडिंग होने से आपका लैंडिंग गियर तो अंदर चला गया, अब चक्का बाहर ही नहीं है। अब ये जो जहाज के ये जो मेन इंजन है, ये इंजन जो होते हैं ये विंग्स के नीचे होते हैं। अब ये जैसे जहाज नीचे आएगा तो ये इस पे स्क्रैच आ जाएगा, ये इसी पे चोट लगेगा। और यही हुआ पाकिस्तानी एयरलाइंस के साथ, उसके दोनों इंजनों पर क्या हो गया, स्क्रैच आ गया। अब इसमें तो हमने ये जो इमेज दिख रहे हैं इसमें तो चार इंजन है, दो एक दो और दो उस साइड, लेकिन उसमें दो ही इंजन था। देखिए जहाज के दो इंजन जो होते हैं वो ह्यूमन आदमी के दो किडनी के समान होते हैं। अगर एक फेल भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कितना भी दूर जा सकते हैं। वैसे किडनी भी एक फेल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इंजन फेल होने के बाद पायलट जो होता है अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ATC को पैन 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 का मैसेज भेजता है। पैन 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 मतलब मेरा एक इंजन फेल हो गया है। लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हो गया है तो उस स्थिति में पायलट जो होता है मेडे का मैसेज करता है, मेडे मेडे मेडे, मतलब अब हमारा जान पे आ गई है, अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सारा काम छोड़कर इसको बचाने में लग जाएगा। तब अभी तक जो पाकिस्तान एयरलाइंस हुआ उसने ना पैन का सिग्नल दिया और ना ही मेडे का सिग्नल दिया, और गलती पर गलती करते जा रहा था, क्योंकि उसने क्या करा दी थी, बेली लैंडिंग करा दी। मेन गलती शुरू होता है अब बेली लैंडिंग के बाद। कैसे बेली लैंडिंग के बाद गलती शुरू होती है तो उसको समझिए ध्यान से। तो पहला तो उसने चक्का गलती कर खोला नहीं था, इस वजह से बेली लैंडिंग हो गई। इस बेली लैंडिंग के बाद जब ये पायलट यहाँ से गो अराउंड किया, यहाँ से भागा, तो ये यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पर ऊपर जाने के बाद ये वापस संपर्क किया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कि अब हम क्या करें, हमने यहाँ हम यहाँ से गो अराउंड कर दिए हैं। तो ATC ने कहा कि आप यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लीजिए। लेफ्ट टर्न लेकर ATC ने सोचा इसको लेफ्ट टर्न दे देंगे और यहाँ से इसको फिर यहाँ ले जाएंगे, और यहाँ ले जाने के बाद घुमा देंगे, और जैसे ही घुमाएंगे तो ILS जो है इसको कैच कर लेगा, और इसके बाद जो ILS सिस्टम है वो बता देगा कि भैया हाइट कितनी रहनी चाहिए और स्पीड कितनी रहनी चाहिए। तो पायलट ने ATC ने यही सोचा और यही मैसेज भी दिया उसको। इसके बाद पायलट यहाँ से लेफ्ट घूम गया, पायलट जो था वो लेफ्ट घूमा। लेफ्ट घूमने के बाद ATC से पूछा कितनी हाइट पर हम जाएं, क्योंकि तो ये तो एकदम नीचे आ गया था रनवे पे, यहाँ उठा तो ये इसके बाद तो पूछना पड़ेगा ना कि भैया हम कितने हाइट पर जाएंगे उठने के बाद। तो ATC ने इसको कहा कि भैया आप उठने के बाद जो जाइए वो 3500 फीट की ऊंचाई पर जाइए, यहाँ से आपको कितनी हाइट पर रखनी है, 3500 हाइट पर रखनी है। अब यहाँ पायलट कहा कि भैया हमको लग रहा है कि मेरे जहाज में कुछ गड़बड़ी है, हम 3500 पर नहीं जा पा रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम 2000 फीट पर ही हम घुमा रहे हैं, आप 2000 फीट पर दूसरे जहाज को मत लीजिएगा नहीं तो हम लड़ जाएंगे। तो पायलट ATC ने कहा ओके। अब ये जब यहाँ से घूम रहा था तो यहीं पर पायलट को समझ में आ गया कि भैया उसने जब यहाँ पर लैंडिंग कराया था तो उसके इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई थी। अब पायलट ने कह दिया कि मेरे दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, हमको क्या, हम क्या करते हैं, हम इतना लंबा नहीं घूम पाएंगे, हम यहीं से राउंड मारते हैं। अब ये यहीं से सोचा राउंड मार के यहाँ से हम वापस एंट्री करें कि उसने मेडे मेडे का सिग्नल दे दिया, और इसके बाद यहीं पर उसका पूरा का दोनों इंजन डैमेज हो ही गए थे, और यहीं पर ATC और पायलट के बीच में संपर्क टूट गया। और इस एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के मॉडर्न कॉलोनी में ये जहाज की क्रैश लैंडिंग हो गई और वहाँ पे ये जहाज गिर गया। 99 लोगों में से केवल 2 लोग बचे, 97 लोगों की मौत हो गई। जहाँ ये जहाज गिरा उस कॉलोनी में केवल बिल्डिंगों की क्षति हुई है, कोई लोग मरे नहीं हैं, हाँ जख्मी जरूर हुए हैं। पाकिस्तान के हुए इस बेहद दुखद घटना का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक कोरोना उस पे से इतनी बड़ी दुखद घटना, बहुत मासूम लोगों की जान चली गई। अब हम समझते हैं कि इसमें जिम्मेदार कौन है। देखिए अभी पाकिस्तान में इस पर इंक्वायरी बैठी है 4 मेंबर्स का, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा नतीजे पे पहुँचेंगे, क्योंकि 2016 में जो पाकिस्तान में एक क्रैश हुआ था अभी तक उसका कोई निर्णायक रिपोर्ट नहीं आया है, तो 2020 का हम क्या करें। लेकिन हमारा अपना मानना है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ मिस्टेक हुए हैं। सबसे पहला हमारे हिसाब से तो ATC ने गलती किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जब पता था कि 5 माइल पर दूरी होनी चाहिए 1500 फीट और जहाज की दूरी है 3500 फीट, तो हमने उसको लैंडिंग करने के लिए आदेश क्यों दिया।
आप अगर अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन कहीं चले जाइए, वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतनी लापरवाही नहीं होती, आप थोड़ा सा भी गलती कीजिएंगे आप यहीं से राउंड ऑफ होके जाइए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आके गो अराउंड होइएगा, यहीं से लौटा देता उसको और वापस आके उसको लैंडिंग कराता। तो हमारे हिसाब से यहाँ ATC की भी गलती है, आप लोकलाइजर और ILS पर भी नहीं छोड़ सकते हैं जब आपको पता है कि हाइट ज़्यादा है। दूसरी गलती पायलट की कि आप एक जिम्मेदार पर्सन होते हैं, आपके ऊपर इतने पैसेंजर्स की जिम्मेदारी होती है, आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि आप लैंडिंग गियर को, चक्के को ऊपर उठा के और नीचे ले आ रहे हैं और वहाँ से गो अराउंड कर रहे हैं, इतना बेवकूफ़ी तो कोई नहीं करता है। तो ये पायलट की भी एक तरह से गलती है जो इसने इस लापरवाही को किया। पायलट की एक और गलती है, जब उसको लग गया, ऐसा नहीं है कि जब जहाज टच हुआ होगा ग्राउंड से तो पायलट को पता नहीं होगा, टच हुआ उसके बाद पायलट जो है यहाँ जितना देर तक वो जहाज को घुमाया है वो अपने फुल थ्रस्ट से घुमाया है। अब एक बात बताइए, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे चला के ले जाइए ना, कुछ दिन जा सकता है। अब एक्सीडेंट हुआ है उस पर सब फुल स्पीड में लेके भागिए, तो भैया जो भी जाना था नहीं जाएगा। तो यहाँ पायलट ने एक और गलती किया। हालांकि हम कोई पायलट नहीं हैं लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश किए कि एक आसान भाषा में टेक्निकल टर्म्स को समझा सके। बाकी आगे इस पर क्या रिपोर्ट्स आएगी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।